हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी की। ये क्लास 12 का कैलकुलस का एक टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मैं पहले ये बता दूं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी को पढ़ने से पहले दो चैप्टर थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे पहला है फंक्शन, दूसरा है लिमिट। फंक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए, खास करके लिमिट, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी को पढ़ने में। वैसे जो फंक्शन का जो चीज़ें यूज होगा वो हम थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो फंक्शन में आप ये जानते होंगे, जो पहला है फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में दो चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। तो अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है, जैसे मान लो कि हम कोई फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये जो x है ये क्या होता है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो x है यानी कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज के कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन। बट कंडीशन ये है कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल का वही वैल्यू हम लोग ले सकते हैं जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड हो। यानी कि हम लोग अगर अपने लैंग्वेज में बात करें तो x का वो सभी वैल्यू जिस पे y डिफाइंड हो, उस x के वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ये था डोमेन की कहानी और रेंज की कहानी। तो रेंज और डोमेन ने दोनों इसमें बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिट की। तो दूसरा है लिमिट। लिमिट में क्या है कि जैसे मान लो कि आपने पढ़ा होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी फंक्शन के वैल्यूज को x इज इक्वल टू, ये एक्सटेंडिंग टू ए है यानी x इज इक्वल टू ए पे जब हम उसको नहीं निकाल पाते हैं तो उसके आसपास के वैल्यूज को हम लोग निकाल लेते हैं, या तो a से जस्ट पहले a के जस्ट बाद, तो होते हैं उसको लिमिटिंग वैल्यू। तो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये तभी डिफाइन होगा, ये तभी एग्जिस्ट होगा, कब, जब हमारा क्या हो, इसका एल एच एल और आर एच एल बराबर हो। ये क्लास 11th में पढ़ाया गया है। जब एल एच एल का मतलब ये है कि लिमिट जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं उस पॉइंट से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, ए माइनस कहने का मतलब ये हुआ अगर नंबर लाइन पे x इज इक्वल टू ए यहाँ पे है तो a पॉइंट से जस्ट पहले का जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे a माइनस, और x इज इक्वल टू ए के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे a प्लस। चाहिए तो a माइनस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एल एच एल, ये बराबर होना चाहिए आर एच एल, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है तभी क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो ये थे हमारे कहानी लिमिट के। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर कंटिन्यूटी पे हम लोग आते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन और लिमिट, ये दो चीज़ें अगर आपका स्ट्रांग है तो कंटिन्यूटी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ज़्यादातर लिमिट का बहुत ज़्यादा यूज है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिमिट अच्छे से पढ़े होंगे। अभी तो मेरे चैनल पे लिमिट का वीडियो भी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि नया चैनल स्टार्ट किए हैं, आने वाले टाइम में लिमिट का वीडियोस भी आ जाएगा, तो जिसको ज़रूरत होगा वो वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने चैप्टर कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी नाम से ही लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस जैसा कुछ वर्ड आ रहा है यहाँ पर। कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूटी का मतलब कॉन्टिन्यूस, यानी कि ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूस, ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूस है मतलब ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, ब्रेक वर्ड आ गया, यानी कि कॉन्टिन्यूस का मतलब नो ब्रेक, नो ब्रेक, विदाउट ब्रेक भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा है कि वो कंटिन्यूस है, लगातार है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। जैसे हम तुम्हें दिखाएं इस तरह से कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो रैंडमली हमने कोई ग्राफ ले लिया इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ग्राफ, तो इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी ब्रेक नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो ये थी कहानी क्या, कॉन्टिन्यूटी की। अब हम थोड़ा सा डिफरेंशियलिटी की बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियलिटी की, तो डिफरेंशियलिटी में हमें क्या देखना है,
ये हम लोग देखते हैं। वैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, बस थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग दो चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक तो ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक, और दूसरा है नो शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी ना ही कोई ब्रेक होना चाहिए ना ही कोई शार्प पॉइंट होना चाहिए। ब्रेक का मतलब तो आप लोग समझ ही गए कि ग्राफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। शार्प का मतलब क्या है? शार्प का मतलब ये है, जैसे हमारा वो चाकू होता है ना, चाकू का जो टॉप पॉइंट होता है बिल्कुल नुकीला होता है, तो उस नुकीले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? शार्प पॉइंट। जैसे हम एक ग्राफ के थ्रू अगर हम दिखाएं, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, कोई ग्राफ मान लो कि इस तरह से है, मान लो इस तरह से है, तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि ये ओरिजिन है, तो इस ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि तो इसका मतलब ग्राफ में ब्रेक नहीं है तो क्या हुआ, कोई ब्रेक नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? ब्रेक भी नहीं होना चाहिए और कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई तीखा पॉइंट नहीं होना चाहिए, नुकीला पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स के इस वैल्यूज पे, इस पॉइंट पे, एक्स के इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ए है, तो एक्स के इस पॉइंट पे क्या है, एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, ये शार्प पॉइंट आ गया। तो शार्प पॉइंट आने से क्या हुआ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल बोलेंगे इसमें, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नो ब्रेक एंड नो शार्प, ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम आपके सामने कुछ ग्राफ्स दिखा रहे हैं, तो अब हम लोग बेसिकली हम बात करेंगे कंटिन्यूटी पे, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ ग्राफ्स आपको हम दिखा रहे हैं, आप लोग देख के बताएंगे कि कौन सा ग्राफ कॉन्टिन्यूस है और कौन सा ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, आप लोग देख के बताइए कि कौन सा ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, कौन डिसकॉन्टिन्यूस है। तो उम्मीद है सबको ये पता चल गया होगा कि जैसे हम पहले वाले ग्राफ की बात करें, अगर हम पहले वाले ग्राफ की बात करें तो साफ साफ ये दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ जो है कि यहाँ से ये लगातार ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ तक गया, यहाँ पे ग्राफ का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे ग्राफ यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे हॉलो किया हुआ है, ग्राफ यहाँ पे है ही नहीं। तो ग्राफ है कहाँ पे? ग्राफ यहाँ पे, ये सॉलिड डॉट है, यहाँ पे है, और एक ए पॉइंट से जस्ट बाद ग्राफ ये रहा, ठीक है। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे ग्राफ क्या हुआ है, टूटा हुआ है। यानी कि जब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पेन उठाना पड़ जाएगा, यानी ऐसा ग्राफ जिसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ कहलाएगा। तो हमें साफ साफ दिख गया क्या कि x इज इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है, ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है। कहाँ पे? x इक्वल टू ए पे, तो ये कैसा ग्राफ है, ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ है ये, ठीक है। कहाँ पे? x इक्वल टू ए पे। अब अगर हम लोग अब ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बात करें कि x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, तो x इक्वल टू ए पे ग्राफ ये रहा यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखें उससे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो मान लो कि यहाँ पे आया, इसको मान लेते हैं ये हमारा L1 है, ठीक है। और अगर हम A पॉइंट से जस्ट पहले की बात करें, A पॉइंट से जस्ट पहले की बात करें तो ये क्या आएगा, A माइनस का मतलब A पॉइंट से जस्ट पहले, एकदम जस्ट पहले, ये तो हम इतना दूर पर लिखे हैं ना, ये बहुत ही करीब होगा, इसके बहुत ही करीब होगा। तो A पॉइंट से जस्ट पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो उस पर वैल्यूज कहाँ पे, तो उस पर वैल्यूज अगर हम लोग देखें तो ये रहा वैल्यूज उसका, ये यानी कि x टेंडिंग टू a माइनस, यानी a से जस्ट पहले ग्राफ पे वैल्यू कहाँ पे, ये रहा L2। और अगर हम जस्ट x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू a पे ही बात करें, x इक्वल टू a पे बात करें, तो x इक्वल टू a पे यहाँ पे था ये ऊपर L1, और a से जस्ट बाद की बात करें, a पॉइंट से जस्ट बाद, यानी कि a प्लस पे हम लोग बात करें, तो इस पॉइंट के जस्ट बाद ग्राफ कहाँ पे है, ये रहा ऊपर यहाँ पे, तो ये L1 और ये जो a प्लस है, तो L1 कहाँ पे है, एट x इक्वल टू a पे है, लेकिन a प्लस पे वैल्यूज कहाँ पे है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे आएगा, करीब करीब, बहुत ही पास होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इतना दूर नहीं होगा, ये बहुत ही पास होगा, बहुत ही करीब होगा वैल्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि साफ साफ दिख रहा है कि L2 और L1 L3 में
काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए ये क्या कह रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ भी x इक्वल टू a पे हम लोग क्या देखते हैं कि ग्राफ यहाँ लगातार तो है, लेकिन जैसे ही x इक्वल टू a आया वहाँ पे ग्राफ क्या हुआ, एट x इक्वल टू a पे वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ पे चला गया है, ये रहा है L1। और अगर हम a पॉइंट से जस्ट पहले की बात करें यानी कि a माइनस की बात करें तो वैल्यू लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, ये रहा L2। और अगर हम a प्लस की बात करें कि यहाँ पे, तो ये ग्राफ कहाँ मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा जस्ट ऊपर यहाँ पे, ये लगभग लगभग यहाँ पे आएगा यानी L3। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, L1 L2 L3 यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी देखना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे क्या देखते हैं कि उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी गैप है। तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, क्या है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो सबको दिख गया होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, और अगर हम x इक्वल टू a पॉइंट की बात करें तो x इक्वल टू a पॉइंट पे भी क्या है, ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तो हम लोग थोड़ा सा नोटिस इसमें करें तो नोटिस ये करेंगे हम लोग कि x इक्वल टू a पे वैल्यूज लगभग लगभग यहाँ पे मिलेगा, इसको L1 बोल लेते हैं, और A पॉइंट से जस्ट पहले की बात करें तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब आएगा, बहुत ही पास होगा, बहुत ही पास। और A माइनस पे और यहाँ पे A प्लस पे हम देखें तो ये भी क्या होगा, बहुत ही करीब होगा फंक्शन के, L1 के बहुत ही करीब होगा, यानी कि L1 L2 और L3 बहुत ही करीब है, अप्रॉक्सीमेटली तीनों क्या है, इक्वल है। किस पे, जहाँ पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पे अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट से जस्ट पहले पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो वैल्यू बराबर होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब x इक्वल टू a पे, जस्ट पॉइंट a पे, यानी कि L1, L2 और L3 ये तीनों जो वैल्यूज मिल रहा है वो a माइनस a और a प्लस पे मिल रहा है। तो इन तीनों पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल आता हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो यहाँ से दुनिया वालों ने डेफिनेशन निकाल दिया, क्या डेफिनेशन निकाला, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी होने का क्या मतलब है। तो अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स किस किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, कोई फंक्शन है जो एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस तभी कहलाएगा इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये जो था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं LHL। ये जो फार्मूला आया है इसमें ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया LHL, ये जो आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, RHL, और इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे, एट x इक्वल टू a पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a पे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट यानी किसी पॉइंट में कंटिन्यूटी देखना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा उस पॉइंट से जस्ट पहले, उस पॉइंट का जस्ट बाद और उस पॉइंट पे, तीनों पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ग्राफ या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, तो हम लोगों ने लिमिट में ये भी पढ़ा था कि जो LHL और RHL होता है ये आता कहाँ से है, तो लिमिटिंग वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे होते थे, जैसे मान लो कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, और यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेते हैं x प्लस फोर, या कोई फंक्शन ले लिए, तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते थे, क्योंकि ये जो फंक्शन है इस लिमिट को रखने पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा है तो इसके वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देते थे, कहाँ पे, x की जगह, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो ये जो वैल्यू आया है 6 ये क्या कहलाएगा, यानी कि ये जो 6 आया है तो ज़रूर इसमें क्या रहा होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस पे x प्लस 4 का वैल्यू और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस पे x प्लस 4 का वैल्यू 6 रहा होगा, तभी इसका लिमिटिंग वैल्यू 6 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो
ये जो दो चीज़ें हैं LHL और RHL, इन दोनों को मर्ज कर कर एक फार्मूला भी बनाया जा सकता है। कौन सा फार्मूला? कुछ ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर हो एफ ऑफ ए के। और हाँ, ये फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि ऐसा हुआ कि LHL भी इन्फिनिटी आ गया, RHL भी इन्फिनिटी आ गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इन्फिनिटी आ गया, तो ऐसा नहीं कि तीनों इन्फिनिटी आ गया, तीनों बराबर हो गए तो कॉन्टिन्यूस। नहीं, क्या होना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इन दोनों को यानी कि LHL और RHL की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये किसके जगह? LHL और RHL की जगह, और वैल्यू द फंक्शन वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अब ये भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो किस फार्मूले को यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला? तो ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो जैसे हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं कि ये जो फार्मूला है ये जनरली हम लोग तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो, क्वेश्चन में क्या क्या हो, मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाए, सिग्नल फंक्शन आ जाए, 1/x आ जाए, या फिर डिफाइंड फंक्शन हो, तो इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। और ये वाला फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे ये सब चीज़ें ना आए। ये कोई रूल नहीं है, ये हम अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि जनरली हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और जहाँ पे ये सब ना नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये तो हमारा था कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो जनरली दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ये कि हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है किसी पॉइंट पे, दूसरा ये कि क्वेश्चन में ये दिया होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे और कोई अननोन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना होता है, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमें कोई अननोन वैल्यूज को हमें निकालना होता है। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग अब देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, एक्स है और जीरो है, एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे ये दिया हुआ है। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमें ध्यान रखना है कहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। जो फार्मूला था वहाँ पे जो एक्सटेंडिंग टू ए था, उस ए की जगह क्या है यहाँ पे, जीरो, यानी कि जीरो पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, LHL देखेंगे, RHL देखेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे। तो हम लोग पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL तो LHL क्या है, LHL होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अब यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए की जगह क्या है यहाँ पे, जीरो है। तो जीरो माइनस क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं जीरो से जस्ट पहले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स। अब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ एक्स का वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा वैल्यू लें, एफ एक्स का तो तीन वैल्यू है, माइनस एक्स, एक्स और जीरो, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा ये लिमिट कौन क्या कह रहा है कि एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, यानी कि जीरो से जस्ट छोटा। तो हम लोग देखेंगे कि जीरो से जस्ट छोटा किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्स जीरो से छोटा है, एक्स इज लेस देन जीरो, तो जीरो से छोटा इसका मतलब ये यूज करेंगे, यानी एफ एक्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, माइनस एक्स यूज करेंगे। तो एफ एक्स की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स लिख दिया, अब इसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली x की जगह क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं। तो सिंपली अगर हम जीरो रख दिए तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो आ गया, सॉरी LHL का वैल्यू आ गया जीरो। अब हम लोग निकालते हैं RHL। तो RHL कैसे निकलेगा, तो RHL निकालने के लिए कि राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स। अब इस एफ एक्स की जगह कौन से फंक्शंस को रखेंगे, माइनस एक्स, एक्स या जीरो, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। जीरो प्लस मतलब जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा कौन है, ये और ये, साफ साफ दिख रहा है कि जीरो से जस्ट बड़ा ये है, यानी एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो
एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स। तो जीरो प्लस तो सिर्फ ये बता रहा है कि जीरो से जस्ट बाद पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स वहाँ पे क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो। यानी कि आर एच एल भी कितना आ गया, जीरो। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम कहाँ निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इस तरह, जैसे वहाँ पे हम लोग एफ ऑफ ए लिखे थे, क्योंकि ए पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना था। यहाँ पे ए की जगह क्या है, जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो लिखेंगे। एफ ऑफ जीरो का मतलब हुआ कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल एच एल भी जीरो, आर एच एल भी जीरो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जीरो आ रहा है। मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, वो कितना आ रहा है, जीरो। और जीरो एक फाइनाइट नंबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी छोटा छोटा क्वेश्चंस होगा कंटिन्यूटी से रिलेटेड, वो आप कर लेंगे, जो भी बुक है आपके पास, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, केसी सिन्हा, जो भी बुक है आपके पास, उससे आप छोटा छोटा क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि काफ़ी बच्चों ने ये बोला था कि वीडियो में जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। तो एक्चुअली है क्या कि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, ये जब जो सब जो भी लाए हैं ट्राइपॉड वगैरह, ये सब जो लाए हैं वो किसी से मांग कर लाए हैं। यहाँ पे अभी कुछ तो मिल नहीं रहा, लॉकडाउन की वजह से तो कुछ तो मिल नहीं रहा, माइक वगैरह है नहीं। तो आज हमने कुछ जुगाड़ लगाया वॉइस के लिए, ये हेडफोन यूज कर रहे हैं, जो कान में लगाते नहीं हेडफोन, वो यूज करके हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉइस को। तो उम्मीद है कि आज आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्योंकि लाइक आप करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है। और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको समझ में आ रहा है तो भी बताएं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताएं, कमेंट्स में आप बताएंगे तभी तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे। या फिर आपको समझ में आया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी आप कमेंट करें कि हाँ मैं समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया वो भी बताएं कि इसको समझ में नहीं आया। या किसी को डाउट वगैरह पूछना है तो उसके लिए और भी हम कुछ लिंक्स देंगे, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, तो इंस्टाग्राम पर जनरली हम डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या फिर फेसबुक पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।